नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 क्लास 10th का पार्ट 1 वीडियो देखेंगे और पढ़ेंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। ये जो आपको क्वेश्चन दिया गया है इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो ये सिंपल सवाल है, आपको पहला सवाल का आंसर हम लिख रहे हैं। यहाँ 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है, यानी कि जो हम लोग बच्चे क्लास में पढ़े थे वही यहाँ पर भी है। 2 से इसको कटाएंगे तो 70 होगा, फिर 2 से तो यहाँ 35 होगा, फिर देखिए 5 से तो ये 7 होगा, 5 से 35। यानी कि आपको 140 बराबर लिख देना है 2×2×5×7, यही आपका आंसर है। यदि मन करे तो इसको 2×2×2^2×5×7 यहाँ रहेगा, × 5×7 यही आपका होगा आंसर। उसके बाद से सेकंड क्वेश्चन है 156। मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी लिख चुके हैं ताकि समय कम है हम लोग के पास। यहाँ 2 से देखिए, जिस संख्या के इकाई अंक लास्ट में 2, 4, 6, 8, 0 रहते हैं वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ बिना सोचे समझे आपको 2 से भाग देना है। 2×7=14, 1 बचेगा यहाँ 16 हो जाएगा, तो 2×8=16। फिर से देखिए, फिर 8 आया लास्ट में, 2 से डिवाइड होंगे, 2×3=6, 2×9=18, 1 बच जाएंगे। फिर देखिए 3×9=9, 3×9=12, यानी 3 से कट जाएंगे, 3×1=3, 3×3=9। यानी कि आपको लिखना है 156=2×2×3×13। यानी कि 2×2 को 2² लिख सकते हैं, × 3×13 दिस इज आंसर। उसके बाद से देखते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन 38 यहाँ दिया गया है, 38 to 5। यहाँ देखिए, सबसे पहले इसको 5 से तो ये ऑलरेडी कटेंगे ही, लेकिन एक नियम है, पहले हम तो जानते हैं 2 से नहीं कटेंगे, क्योंकि इकाई अंक इसके क्या है जी, इकाई अंक जिसके इकाई अंक अगर विषम संख्या होती है वो 2 से कभी नहीं कटते हैं। तो यहाँ काउंटिंग करते हैं 3 के लिए, देखिए 3×8=11, 11×2=13, 13×5=18। जब अंकों को जोड़ेंगे, यदि अंकों का योगफल 3 से कटते हैं तो वह संख्या भी 3 से कट जाती है। तो यहाँ 18 आया, अंकों का योगफल 18 आ रहा है, इसका अर्थ है कि 3 से कटेंगे, तो 3 से कटाते हैं, 3×3 यहाँ 8 है, तो 3×2=6, 2 बचेगा, फिर 2×2 आएगा तो 22 हो जाएगा, 3×7=21, फिर 1 बचा, फिर 3×5=15। देखिए यहाँ आपको अलग से भाग करके नहीं बनाना है, हम लोग 10th क्लास को पढ़ रहे हैं तो थोड़ा यहाँ अपना माइंड लगाएंगे। और देखिए यहाँ पे फिर देखते हैं, काउंटिंग करते हैं, 1, 2, 3, 3×7=11, 7×3=10, मिस्टेक हो जाते हैं कभी कभी। यहाँ देखिए कहीं से भी काउंटिंग कर सकते हैं, 7×5=12, 7×5=12, 12×2=14, 14×1=15, यानी कि कुल मिलाकर 15 आ रहे हैं, जो कि 3 से डिवाइड होते हैं, इसलिए 3 से कटेंगे, तो 3×2=12, यहाँ 7, 3×2=6, फिर 1 बचा, 3×5=15। अब देखिए 4×2=6, 6×5=11, 11 3 से कटते हैं, नहीं कटते हैं, तो ये संख्या भी 3 से नहीं कटेंगे। इसका अर्थ है कि जब 3 से नहीं कटेंगे तो 5 से कटेंगे, क्योंकि इकाई में 5 है, 5 से कटाते हैं, 5×8=40, फिर 2 बचेगा 5, तो 25 हो जाएगा, तो 5×5=25। अब फिर देखिए इकाई में 5 है, इसका अर्थ है 5 से कटेंगे, तो 5×17 बार में आप जानते हैं 17×5=85। अब फिर से आपको क्या करना है, 38 × 5=3×3×5×5×17, यानी कि इनको और इनको देखिए 2 बार हैं, तो 3×2 लिख सकते हैं, इसके लिए 5×2 लिख देंगे, गुणा में 17 लिखेंगे, दिस इज आंसर। अब देखिए इसके बाद से फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर है 5005। ये देखिए लास्ट में 5 है, तो ये 2 से नहीं कटेंगे, 5×5=10, 3 से भी नहीं कटेंगे, इसलिए 5 से ही कटेंगे, तो यहाँ 100, फिर 1। अब देखते हैं 1001, ये देखिए 5 से तो कटेंगे नहीं, 6 से भी नहीं कटेंगे क्योंकि सम संख्या नहीं है, 7 से कोशिश करते हैं, देखते हैं 7 से क्या हो रहा है। तो एक ट्रिक भी बता दे रहे हैं 7 से कटने का, 7 से डिविजिबिलिटी रूल है कि इकाई अंक, यहाँ के इकाई अंक को दोगुना कर दीजिए 2, और शेष अंकों में से घटा लीजिए, शेष अंक कितना है जी,
हंड्रेड थे, हंड्रेड माइनस टू करेंगे, इकाई हमको दोगुना करके शेष में से घटाएंगे, घटाने के बाद देखते हैं कितना रिजल्ट आया, अंठानवे। अगर अंठानवे सात से कट जाएंगे तो इसका अर्थ है कि एक हज़ार एक भी सात से कट जाएगा। तो देखिए अंठानवे सात से कटते हैं, सात से सात कम सात, दो आठ सात चौका अट्ठाईस, चौदह बन में चौदह सत्तर अंठानवे, इसलिए एक हज़ार एक क्या होंगे, सात से डिविजिबल होंगे, यानी कि सात से कटेंगे। फिर देखिए सात कम सात तीन जीरो, सात चौका अट्ठाईस, फिर दो बचा वन, सात त्रिका इक्कीस। अब फिर से देखते हैं ये किस अंक से कटते हैं, तो यहाँ देखिए सात से कटाने का रूल अभी बताए थे, तीन का तीन दूनी छः, चौदह में छः कटाएंगे तो आठ, इन आठ सात से नहीं कटते हैं, इसलिए संख्या भी सात से नहीं कटेंगे, आठ से भी नहीं कटेंगे, नौ से भी नहीं कटेगा, दस से भी नहीं, ग्यारह से चेक करते हैं क्योंकि ये अभाज्य संख्या दिख रहा है, तो ग्यारह से करते हैं। तो ग्यारह के लिए भी रूल है, आपको बता देते हैं, एक सौ तैंतालीस है तो ग्यारह का रूल है कि ये और ये एक एक छोड़ के जोड़ लीजिए आप, ये जो सम संख्या वाले स्थान के अंकों का योगफल और विषम संख्या वाले स्थान के अंकों का योगफल करते हैं फिर घटाते हैं, और घटाने के बाद यदि जीरो या ग्यारह का मल्टीपल आते हैं तो हम उस संख्या को मानते हैं कि ग्यारह से कटेगा। तो देखिए और एक नंबर पे है, ये दो नंबर पे है, और ये तीन नंबर पे है, वन नंबर, ये दो नंबर, ये तीन नंबर, तो विषम वाले अंकों का योगफल करते हैं, तो एक का प्लस तीन चार, और सम वाला पर एक है दो, नहीं सम वाले स्थान पे चार है, तो चार माइनस चार बराबर जीरो, इसका अर्थ है कि ये ग्यारह से क्या है, डिविजिबल है। फिर से मैं एक बार आपको बताना चाह रहा हूँ, यदि विषम संख्या विषम स्थान वाले अंकों का योगफल करेंगे, फिर सम स्थान वाले अंकों का योगफल करेंगे और दोनों को घटाएंगे, घटाने के बाद यदि जो घटाने के बाद जो रिजल्ट प्राप्त होंगे वो ग्यारह से कटते हैं तो वो संख्या ग्यारह से ये संख्या कटेगी। आपको सोच रहे होंगे कि जीरो ग्यारह से नहीं कटते हैं, जीरो कटते हैं क्योंकि जीरो में ग्यारह से भाग देंगे तो जीरो आएगा, भाग लगा तो ही ना आया, तो इसलिए जीरो या ग्यारह का मल्टीपल। तो हमने देखा यहाँ वन थ्री फोर, तो ग्यारह से कटाते हैं, ग्यारह कम ग्यारह, फिर तीन ग्यारह तीन तैंतीस तेरह, यानी कि पाँच डबल जीरो पाँच बराबर लिखेंगे पाँच गुणे सात गुणे ग्यारह गुणा तेरह, यही होंगे आपको आंसर। फिर से देखते हैं फोर्थ नंबर हो गया, फाइव नंबर क्वेश्चन, फाइव नंबर है सात चार दो नौ, इसको हटाने की कोशिश करते हैं, तो ये देखिए तीन से कटाएंगे, तीन से रूल देखते हैं क्योंकि दो से तो कटेंगे नहीं, नौ दो ग्यारह, ग्यारह चार पंद्रह, पंद्रह सात, पंद्रह पाँच बीस दो बाईस, यानी कि बाईस तीन से नहीं कटने तो ही नहीं कटेंगे, पाँच से भी नहीं कटेगा। इसको देखिएगा आप भाग करते करते जाएंगे तो देखेंगे इस सत्रह से कटेगा, सत्रह से पहले कटने वाला नहीं है क्योंकि यहाँ हम लोग वीडियो में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ सत्रह तक जा पाना आपको दिखाना संभव नहीं है, तो इसलिए हम सत्रह से भाग करके दिखाते हैं आपको, डायरेक्ट ही सत्रह से कटेंगे, तो सत्रह से भाग दीजिए तो सत्रह चौका अड़सठ, अड़सठ जब चौहत्तर में से आप अड़सठ घटाएंगे तो क्या आएगा, चौदह में से आएगा छः, ये कट जाएंगे, फिर दो बासठ आएंगे, फिर सत्रह चौका अड़सठ अधिक हो गया, सत्रह तिया इक्यावन, सत्रह तिया इक्यावन घटाएंगे इसमें से तो वन, यहाँ पे हो जाएंगे वन, फिर यहाँ देखिए उन्नीस, सत्रह के पारा में एक सौ उन्नीस आते, सत्रह सत्ते उन्नीसा सौ, सात बार में कटेंगे। अब देखिए फिर ये जो है फिर सत्रह तक, जब सत्रह से ये कटे हैं यानी कि सत्रह से पहले कोई ऐसा अंक नहीं मिलेगा जो इसको काट दे, तो सत्रह के अब नीचे जाने की अब कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि सत्रह के नीचे मल्टीपल होता तो हम यहीं पर कटाए रहते, तो ये सत्रह से नहीं कटेंगे, ये उन्नीस से कटेंगे, उन्नीस से तो उन्नीस दूनी अड़तीस, अड़तीस फिर बच जाएंगे पाँच सात उन्नीस दिया संतावन, अब तेईस खुद एक अभाज्य संख्या है ये नहीं कटेंगे, तो चौहत्तर दो नाइन इक्वल टू सत्रह गुणा उन्नीस गुणा में तेईस लिखेंगे, यही हो जाएंगे आपका आंसर। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन है एच सी एफ तथा एल सी एम ज्ञात करें, हमने शॉर्ट में लिखा है एच सी एफ तथा एल सी एम ज्ञात करें तथा जांच करें कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एच सी एफ इंटू एल सी एम,
ये जो देख रहे हैं आप पहला सवाल है, इसका क्या पहले काम है HCF और LCM को ज्ञात करना, 26 का और 91 का, 26 और 91 का HCF और LCM ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 26 और 91 को क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ देखिए बच्चे क्लास वाला जो बच्चा क्लास में लोग पढ़ रहे थे भाग विधि से, उस विधि से यहाँ डील नहीं कर रहे हैं, क्लास टेंथ में पढ़ रहे हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड हम लोग का हाई हो चुका है, इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से चलेंगे। तो 26 को जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 2 × 13, फिर 13 तो कटेंगे नहीं, तो 2 × 13 लिखेंगे। यहाँ लिख लेते हैं अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर, इसी विधि से आपको ज्ञात करना है बालक, तो 26 × 2 × 13 91 को हम क्या लिख सकते हैं, 91 को आपको खंड कीजिए, आप जानते हैं 13 × 7 = 91 होता है, तो 7 × 13 हो जाएगा, इसमें क्या 13 × 7 = 91। अब बतलाइए हमको, आपको ये बताना है कि HCF, ये बात जानिए, देखिए जो HCF होता है ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट, HEIGHEST, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, FACTOR। जिन बालक को नहीं याद होगा वे याद कर लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब, कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में हो, कॉमन फैक्टर जो दोनों को काटता हो और सबसे बड़ा हो, वही आपको निकालना है। तो ये देखिएगा, ये जो 13 देख रहे हैं दोनों में जो कॉमन है 13 है, इसलिए HCF of 26, 91 = 13 आपका आंसर हो जाएगा, यही होंगे HCF, जो कॉमन होंगे वही HCF होते हैं। सबसे पहले आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जो दोनों में मिल रहा होगा वो होते हैं HCF। अब देखिए LCM का जब बात आएगा, LCM 26, 91 का, तो आप देखिए क्या करेंगे, इसके लिए टेक्निक, जो दोनों में है उसको तो लिखेंगे एक बार, बाकी शेष बच जाएंगे उनको भी लिख लेंगे, यानी कि 2 × 7 बच रहे हैं, स्पष्ट है कि LCM का मान बड़ा आएगा, तो इसको एक बार लिखेंगे, दोनों के बदले एक बार शेष को लिख देंगे। तो 13 × 26, 26 में 7 का गुणा कर लेंगे, 6 × 7 = 42, 4 7 × 14 = 18, यानी कि 182, ये होंगे आपका LCM। तो HCF और LCM ज्ञात हो चुका। अब आपसे बोला गया है कि जांच करें कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF एंड LCM, यानी दो संख्या, देखिए अगर संख्या को इसको A मानते हैं, 26 को A, 91 को B, तो यह ना आपका दोनों संख्या है, तो यानी कि A गुणा B बराबर आ जाना चाहिए LCM गुणा में HCF गुणा में LCM। आपको दिखाना है कि इन दोनों का गुणनफल जो है HCF और उनके LCM के बराबर है। तो हम चलिए देखते हैं, जांच कर लेते हैं, ये लिख देते हैं जांच के लिए, यहाँ जांच के लिए चल रहे हैं। तो A गुणा B का मतलब 26 × 91, 26 A का मान हो गया, 91 B का मान हो गया, HCF देखते हैं क्या आया है, 13, LCM है 182, दोनों का गुणा करेंगे। अब गुणा प्रोडक्ट करते हैं, यहाँ देखिए 91 × 26, देखिए कुछ बच्चों का शिकायत थी कि सर आप बना के नहीं बताते हैं, आप पहले ही लिख देते हैं, इसलिए अब हम एक एक स्टेप यहाँ गुणा भी करना होगा तो गुणा करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए 6 × 6 = 9, 6 = 54, 2 × 2 = 9, 2 = 18, 6 × 4 = 6, 8 × 5 = 3, 8 × 1 = 2, यानी कि 23 × 66 आया। अगर इसका भी गुणनफल इतना आ जाएगा तो इसका मतलब ये जो है हमारा ये जो नियम है इससे जांच कर देंगे कि हाँ दो संख्याओं का प्रोडक्ट क्या होते हैं, HCF और LCM के बराबर होते हैं। तो इतना जब इस इधर का गुणनफल आया तो इधर भी उतना आना चाहिए। तो देखते हैं 182 × 13, देखिए 3 × 2 = 6, 8 × 3 = 54, 182, 1 का गुणा होंगे तो वहीं होंगे, 6 × 4 = 6, 18 × 5 = 23 को देखिए। तो देखिए देखे दोनों का प्रोडक्ट
दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, बराबर आया ए इंटू बी बराबर एच सी एफ इंटू एल सी एम, तो यहाँ पे लिख देते हैं चेक्ड, सी एच ई सी के ई डी, यानी कि जांच किया गया। अब देखते हैं हम लोग, अब देखिए एच सी एफ निकल गया, उसके बाद से एल सी एम, एल सी एम ऑफ 510.92, तो इसका एल सी एम के लिए बताए थे दो को एक बार लिखेंगे, कॉमन एलिमेंट को एक बार, बाकी शेष को भी लिख देते हैं, 3×5×17 ये 2×23 बच रहे हैं, ये भी लिखाएंगे। अब देखिए द्वितीय 6×6=30 हो गए, 30×2=60, यहाँ से देखिए 60 बच गए, और 60 में 17 का गुणा करेंगे तो 17×6=102 होते हैं, 102 यानी कि 0, 10 और 20 होंगे, यानी कि इधर से ये 17 भी गुणा में हो चुके हैं, अब 23 का गुणा करना है, इतना में गुणा करना है 23 का, तो देखिए 0 का भी छोड़ देते हैं, 23 102 में 23 का गुणा, 3×6 और 10×3=30, 102 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 204, फिर 6×4=3=2, 2346, यहाँ हो जाएंगे आपको 2346, ये हो गए एल सी एम। अब उसके बाद हमको क्या करना है, जांच करना है, आपको जांच करना है, जांच जांच में ये करना है कि ए गुणा बी बराबर दिखाना है हमको एल सी एम गुणा में एच सी एफ, किसी को भी किधर भी लिखा जा सकता है, ए गुणा बी आपके पास क्या है 510 ए का मान है, 510 ए का मान गुणा बी का मान है 92, एल सी एम, एल सी एम कितना है देखिए यहाँ पे आ चुका है 2346 और गुणा एच सी एफ आ चुके हैं 2, तो यहाँ देखिए पहले इधर गुणा करते हैं 6×12=2 हासिल 1, 4×8=1=9 और 23×2=46, 4692 आया, फिर से देखते हैं 6×12=2 हासिल 1, 4×8=1=9, 3×6=2×4, अब इधर भी हम गुणा करते हैं, इसमें एक जीरो हम छोड़ चुके थे वाला, इसलिए डिस्टर्ब लग रहे थे थोड़ा सा, अब इधर का इतना आया 46920, इधर भी गुणा करके देखते हैं, तो इधर भी गुणा करके देखते हैं 510 का गुणा करना है 92 में, जीरो को छोड़ देते हैं, 2×1=2, 5×2=10, 9×1=9, 9×5=45, 2×9 और ये देखिए 5×1=6=4, 46 और 1 0 छोड़े थे तो यहाँ देखिए तो 46920, यानी कि आपको ये हो गया चेक्ड, CHECKED, चेक्ड यानी जांच किया गया। तीन नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन है 336 और 54, तो 336 को क्या करेंगे, खंड करेंगे, 54 को खंड करेंगे, 336 को खंड करते हैं, देखिए क्या आ रहे हैं 336, दो से कटेंगे 16×32 एक 8 हो जाएगा, फिर दो से 8×16 4, फिर दो से 4×2, दो से 21, 3×3=23, और देखिए 2×2×2×2 4×2 यहाँ से देखिए 4×2=3 गुणा में 3 और 1 है 7, उसके बाद 54 को करेंगे, 54 को तो देखिए 2×27=54, 3×3=27, 3×3 यानी कि 2×3×3×3 3×3 आया 3, 2×3=6, 6×3=18, 18×3=54। अब इसके बाद से आपको बताए थे हम एच सी एफ निकालना, सबसे पहले एच सी एफ 336 और 54 का एच सी एफ उसको मानते हैं जो दोनों में कॉमन एलिमेंट होते हैं, देखिए दो दोनों में है तो एक दो निकल के आएंगे, उसके बाद से तीन देखिए तीन मैच कर रहे हैं दोनों में, एक 3 निकल के आएगा यानी 6 हो जाएगा आपका एच सी एफ, उसके बाद से एल सी एम, एल सी एम ऑफ 336 और 54, एल सी एम के लिए बताए थे पहले कॉमन एलिमेंट को एक बार लिखेंगे, इस कॉमन को एक बार लिखेंगे, बाकी शेष जितने बच गए उन सभी को लिख देंगे, 2×2=2, 3×2 बचे हैं, 3×2 1×7 बच रहे हैं, फिर 3×3 बच रहे हैं, 3×3 अब इन सब का गुणा किया जाएगा,
देखिए, दो तीन छः, छः दूनी बारह, बारह दूनी चौबीस, चौबीस दूनी अड़तालीस, अड़तालीस यहाँ तक आएंगे। यहाँ देखिए तीन तीन नौ, नौ सत्तर तिरसठ, यहाँ तक अड़तालीस, यहाँ तक तिरसठ, तीन तीन नौ, नौ सत्तर तिरसठ, तो अड़तालीस और गुणा तिरसठ करते हैं, आठ त्रिका चौबीस के चार हासिल दो, चार तीन बारह दो चौदह, आठ छः अड़तालीस के आठ हासिल चार, और छः चौका चौबीस, चार चौबीस वो चार को होते हैं अट्ठाईस, ये चार आठ चार बारह के दो हासिल एक, अट्ठाईस को एक उनतीस, और एक हासिल हो जाएंगे तीस, यानी कि आपका उत्तर होगा तीस चौबीस, तीन हजार चौबीस होंगे इसका एल सी एम, तीन हजार चौबीस इनका होंगे एल सी एम। इसके बाद हम लोग इसका जांच करते हैं। जांच करने के लिए आपको नियम बताया गया है ए गुणा बी, यहाँ लिख देते हैं जांच, जांच ए गुणा बी बराबर जांच करना है एच सी एफ गुणा एल सी एम, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एच सी एफ इंटू एल सी एम। ए गुणा बी कह रहा है तो ये है ए और यही है बी, तीन सौ छत्तीस गुणा चौवन बराबर एच सी एफ आया है सिक्स, एल सी एम आ गया तीस चौबीस, तीस चौबीस। अब गुणा करके देखते हैं और दोनों बराबर आ जाएंगे इसका मतलब सही है, और नहीं आते हैं तो इसका अर्थ है कि हम गलत हैं। तो तीन सौ छत्तीस और चौवन का गुणा, छः चौका चौबीस के चार हासिल दो, चार तीन बारह दो चौदह के चार हासिल एक, और चार तीन बारह एक तेरह, छः पचतीस के जीरो हासिल तीन, और पाँच तीन पंद्रह, तीन अट्ठारह के आठ हासिल एक, पाँच तीन पंद्रह एक सोलह, चार चार आठ तीन ग्यारह के एक हासिल एक, सोलह एक सत्रह, एक हासिल हो जाएंगे अठारह, अठारह एक चार चार। इधर भी देखते हैं अगर इतना आ जाएगा इसका मतलब सत्य है, तो देखिए छः चौका चौबीस के चार, चार छः चौबीस के चार हासिल दो, और छः दो छः बारह गो दो गो चौदह के चार हासिल एक, और छः में जीरो का गुणा होगा तो जीरो एक जोड़ देंगे तो एक, छः तीन अट्ठारह। आपने क्या देखा? आपने देखा कि दोनों तरफ बराबर है, इसका अर्थ है कि ये सही है, इसका मतलब यहाँ पे लिख देंगे चेक। इस प्रकार हम लोग 1.2 के दो क्वेश्चन को हमने डील किया, और अगले ये पार्ट वन वीडियो था, पर्सनली 1.2 का पार्ट वन था, अब हम लोग पार्ट टू वीडियो में 2 के बाद वाले क्वेश्चन को हम देखेंगे। तब तक के लिए जय।